लॉकडाउन का जो एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी आपके लिए भी लेकर आया होगा। एक ऐसा लगा कि जितनी नदियां हैं वो बहुत स्वच्छता के साथ बह रही हैं। ये सिर्फ एहसास है या सचमुच में मंत्रालय के आंकड़े भी ऐसा कहते हैं कि गंगा या यमुना उनको हम ले लें तो वो स्वच्छ हुई है पहले से ज्यादा? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रश्न आएगा, इसकी संभावना और ऐसी बन सकता है, इसकी संभावना को हमने पहले ही समझा था। और जिस दिन लॉकडाउन इम्पोज हुआ था पहली बार 25 तारीख को, उसी दिन मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को, मेरे विभाग में, मेरे मंत्रालय में जो विभिन्न विभाग जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए काम करते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, और इसके अतिरिक्त जो वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाला सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी स्टेट विंग्स, जो IITs हमसे सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं उनसे, और इसके अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऐसे सारे संस्थान जो इस काम को करते हैं, उन सबको हमने आग्रह किया था कि गंगा और यमुना में, क्योंकि विशेष रूप से हम इसके ऊपर मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और देश की अन्य नदियों में भी इस अवसर को, कि ये ऐसा दुर्लभ संयोग है, हालांकि मैं चाहूंगा कि ऐसा संयोग शायद भविष्य में जीवन में मेरे कभी नहीं देखना पड़े, लेकिन फिर ये भी एक ऐसा अवसर है जब देश के सारे कल कारखाने एक साथ बंद है, और क्योंकि जो नदियां या वाटर रिसोर्सेज जितने भी, उनमें जो पोल्यूशन होता है वो दो कारण से होता है। एक, हम जो सुवेज ट्रीटेड अनट्रीटेड सीवेज जो है पानी नदी में छोड़ते हैं या जल स्रोतों में छोड़ते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के कारण से। और एक साथ सारी इंडस्ट्रीज बंद होने से हम ठीक आकलन कर पाएंगे कि इन पॉल्यूशन में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन या उसका स्टेक कितना है। तो हमने इसका अध्ययन करने के लिए बार बार पीरियडिकल सैंपल्स लिए। निश्चित रूप से इंडस्ट्री बंद होने के कारण से कुछ जो है परिणाम अवश्य हुए, कुछ जो है बेहतर परिणाम आए हैं नदियों की क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ वाटर में कुछ फर्क पड़ा है। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्या आज जो गंगा के हालात हैं और जो हम वीडियोस डिफरेंट चैनल्स पर और प्रिंट मीडिया में, वेब मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, ये केवल और केवल इसके कारण नहीं है कि लॉकडाउन हो गया है और इसके कारण इंडस्ट्री बंद हुई। पिछले कुंभ के समय में 22 करोड़ लोग, देश दुनिया से आए हुए सब लोगों ने गंगा में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मिशन मोड में हमने काम किया, न केवल गंगा में बल्कि गंगा की सहायक नदियों में काम किया, उसका परिणाम देखा है। और मैं अक्टूबर के महीने में हमने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन देवप्रयाग से लेकर गंगा सागर तक किया था, जिसमें WII के एक्सपर्ट्स भी थे, साइंटिस्ट भी थे, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोग भी थे, कुछ अन्य वैज्ञानिक भी थे, और हमने पूरे गंगा के पानी का अध्ययन किया। मैंने भी देवप्रयाग से ऋषिकेश तक खुद नाव में आकर के ऐसे सारे वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके पूरी लंबाई तक हर 2-5 किलोमीटर में पानी नदी से सीधा पानी उठा करके कहा था पिया था, और मैंने कहा कि ऋषिकेश तक गंगा का पानी पीने के योग्य है, और इसके साथ में हरिद्वार तक ये परिस्थिति आगामी कुंभ से पहले बने, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का इनपुट नहीं था, इसलिए कुछ हद तक जो है उसका प्रभाव भी पड़ा है। जहां तक यमुना का प्रश्न है, उसके और अन्य कारण भी हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद में यमुना का प्रवाह लगभग थम जाता है, जो कुछ भी पानी बहता है वो सूवेज का वाटर होता है, चाहे वो दिल्ली से उत्सर्जित होने वाला ट्रीटेड अनट्रीटेड सूवेज है। लेकिन इस बार इस लॉकडाउन के समय में जो बरसात हुई, उस बरसात के कारण से भी पानी का इनफ्लो बढ़ा था। जहां हम मानते हैं कि लगभग 100-200 क्यूसेक के बीच में पानी इस समय में बहता है यमुना में, वो लगभग 3000 क्यूसेक से ज्यादा बह रहा था, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, एक तरफ बरसात हुई थी, दूसरी तरफ खेती का हार्वेस्टिंग सीजन था, इसलिए आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल, ये जो पानी निकालते हैं यमुना में से, उसकी गति भी कम हुई थी, उसकी आवश्यकता भी कम हुई थी, इसलिए पानी का प्रवाह ज्यादा होने के कारण से जो है वो वाटर क्वालिटी इंप्रूव हुई। इसलिए दो चीजें एक साथ सुनिश्चित हुई कि एक तो हमेशा के लिए ये बात तय हो गई है कि हम प्रवाह यदि नदी में बढ़ाएं, उसके फ्लो को सस्टेनेबल बनाएं, तो निश्चित रूप से पोल्यूशन को नदियों में कम किया जा सकता है, और हम सबको मिल करके उसके उसके सातत्य के लिए, उसकी निरंतरता के लिए, उसका प्रवाह निरंतर बना रहे, इसके लिए भी साथ में काम करना पड़ेगा।